हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं हूँ अभी पौंडीचेरी में और ये है डे टू। तो कल मैं पौंडीचेरी में जब आई, आपने देखा कि मैं आके तो मतलब ज़्यादा कुछ की नहीं, मैं सो गई थी। उसके बाद मैं शाम को उठ के ली कैफ़े और जो पौंडीचेरी के बाकी कैफ़ेज हैं कुछ कुछ जो प्रोमिनेंट बीच के आसपास है, तो मैं वहाँ पर एक्सप्लोर की थी। तो आज मैं सुबह उठ के मैं सोची हूँ थोड़ा सा बीच साइड जाऊँगी, बट हो नहीं पाया, मैं थोड़ा सा लेट होती हूँ। बट आज मेरा प्लान है कुछ अरविंदो आश्रम जाने का और यहाँ पे आसपास जो व्हाइट टाउन और यहाँ पे एक्सप्लोर करने का और भी काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आज करने के लिए। तो पहले तो मैं जा रही हूँ अपने होटल में ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके बाद मैं निकलूँगी बाहर। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। सो मैंने अभी यहाँ पे रेंट किया है एक स्कूटी, तो ये वेस्पा लिया है मैंने एक दिन के लिए, लाइक 1000 रुपीज़ वो लोग चार्ज कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी सारा प्लेसेस घूमने वाली हूँ, तो मुझे लग रहा है कि शायद वो बस हो जाएगा जनरली। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि एक दिन के लिए बुक कर लेती हूँ, तो जनरली वो लोग 800-900 लेते हैं, बट एक दिन के लिए यहाँ पे अभी वीकेंड है तो 1000 रुपीज़ ले रहे हैं, तो ठीक है फाइन। तो मैंने ये बड़ा प्यारा सा वेस्पा बुक कर लिया है, सो अभी मैं उसे टेस्ट करके फिर चलती हूँ। सो बाइक लेकर मैंने उसमें पेट्रोल भरवाई और निकल गई अपने पहले डेस्टिनेशन ऑरोविल के लिए। यहाँ से ऑरोविल का डिस्टेंस अराउंड 14 किलोमीटर दिखा रहा है। सो चलिए चलकर देखते हैं। आज वेदर भी हॉट है और ऑरोविल में काफी चलना पड़ता है, बट थैंक गॉड ज्यादा ट्रैफिक नहीं है यहाँ और रोड्स भी अच्छे हैं। सो गाइज, यहाँ पे पार्किंग है, पार्किंग एरिया में बाइक और कार पार्क करके आप जा सकते हो। बाइक के लिए अराउंड 20 रुपीज़ पे किया, कार के लिए मुझे नहीं पता क्या चार्जेस है। और यहाँ पे ऑरोविल का विजिटिंग सेंटर का लाइक वो लोग स्लिप दे देते हैं, तो इससे अंदर आप जा सकते हो विजिटिंग सेंटर की तरफ। सो मैं अभी जा रही हूँ वॉक करके, बहुत सारे भीड़ है बिकॉज वीकेंड है। पार्किंग से अराउंड 10 मिनट के वॉक पर आपको ऑरोविल का इन्फॉर्मेशन सेंटर मिलेगा। वैसे तो ये रास्ता बहुत ही सुंदर है, बट गर्मियों में यहाँ पर वॉक करना फॉर श्योर मुश्किल होगा। बट यहाँ पर काफी ट्रीज भी लगे हैं, सो आप आराम से जा सकते हैं। ये ऑरोविल का इन्फॉर्मेशन सेंटर है, यहाँ पर आपको यहाँ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप यहाँ पर कुछ टाइम लेकर ये सभी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। खैर मैंने तो आज तक ये कभी नहीं पढ़ा। यहाँ पर मातृमंदिर की एक रेप्लिका भी रखी गई है। आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया कैसा दिखता है। तो यहाँ पे पार्किंग के बाद ही आपको यहाँ पे ऑरोविल इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप जा सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया है मातृ मंदिर के बारे में और ऑरोविल कब यहाँ पे मतलब फाउंडेशन था, इसका क्या मतलब हिस्ट्री था ना, सब आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको एक पास मिलती है जो मैंने अभी ले लिया है, तो अभी मैं जा रही हूँ मातृ मंदिर की तरफ। सो लेट्स गो। यहाँ पर रास्ते में बहुत सारे प्लेसेस पर आपको ये छोटे छोटे खाने पीने के स्टॉल्स मिल जाएंगे। सो आप अगर थक गए हैं तो यहाँ पर कोकोनट वाटर या जूस भी पी सकते हैं। एक्चुअली नॉर्मल डे पे मातृ मंदिर रहता है 9 से लेके 4:30 PM तक, बट संडे में जनरली 9 से लेके 1:30 PM तक ही रहता है। और आज मैं संडे को आई हूँ तो काफ़ी भीड़ है, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा नहीं है मेरे पास। बट फिर भी यहाँ पे काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, लाइक टाइम तो चाहिए। यहाँ पे कुछ है जो शॉपिंग कर सकते हो, लाइक कुछ कुछ हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं। विजिटिंग सेंटर से अराउंड 10 से 15 मिनट तक वो वॉक करते हुए जाना पड़ेगा मातृ मंदिर की तरफ। तो मैं अभी तक वॉक कर रही हूँ, अभी तक आया नहीं है सेंटर, काफ़ी दूर है मातृ मंदिर, तो चल रहे। और बट जो रास्ता है ना काफ़ी प्यारा है, लाइक आपको बहुत सारे लाइक नो अच्छे अच्छे स्पॉट मिलेंगे फोटोजेनिक एंड, और बहुत सारे लाइक नो ट्रीज है, तो काफ़ी सूदिंग वाइब है आप एक्चुअली। ये एक बहुत ही पुराना ट्री है, आप देख सकते हैं इसके रूट्स चारों तरफ से नीचे तक आ गए हैं।
और यहाँ पर बहुत सारे लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। यहाँ से बस 2 ही मिनट के वॉक पे मातृ मंदिर की व्यू पॉइंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, और अभी तो यहाँ पर शेड भी लगा दिया गया है, सो आप यहाँ से व्यू एंजॉय कर सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी भी गार्डन एंड पूल्स का काम चल रहा है। होपफुली जब नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ आऊंगी तो ये पूरा हो चुका होगा, एंड आई एम श्योर यहाँ से व्यू और भी अच्छा हो जाएगा। मैट्री मंदिर से निकल के मैं जा रही हूँ अभी कोई दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, और मैं शायद यहाँ पे ऑरोविल के आसपास कुछ कुछ चीज़ें ट्राई करूँगी एक्सप्लोर करने के लिए, कि मतलब मुझे कुछ कुछ मैंने देखा था कुछ इंटरेस्टिंग करने का है, तो देखती हूँ यहाँ पे अगर वो खुला मिलती है और टाइम मुझे परमिट हो जाता है तो मैं ऑब्वियसली वो सब ट्राई करूँगी। और ऐसे मैट्री मंदिर जाने के लिए, मतलब जो व्यू पॉइंट है वहाँ तक जाने के लिए आपको कोई लाइक इट इज़ एंट्री फ्री, बट आपको जो इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप जाओगे ना तो वहाँ पे एक आपको लाइक नो दे विल बी गिविंग यू वन स्लीप, सो वो आपको दिखाना पड़ता है जब आप एंट्री पॉइंट में जाते हो, तो उसके बिना शायद वो लोग अलाउ नहीं करते, तो कीप इट इन माइंड। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कैफे एंड रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। मैंने यहाँ पर जूस पी और कुछ लाइट खाई। यहाँ पर केक और अदर बेकरी आइटम का बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, और फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी एक चक्कर लगाई। यहाँ पर मेरे टाइप के शॉपिंग के कुछ खास चीज तो मिले नहीं, बट आप जब भी यहाँ आए तो एक बार यहाँ जरूर आइए, यहाँ पर आपको शायद कुछ पसंद आ जाए। अंदर मातृ मंदिर के अंदर जो हम इंफॉर्मेशन सेंटर मिलेगी वहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा शॉपिंग एरिया भी है, और काफ़ी सारे अच्छे से कैफेटेरिया भी मिल जाएंगे यहाँ पे, तो अभी मैं ऐसे जस्ट यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही हूँ। यहाँ से निकलकर मैंने आसपास के कुछ और प्लेसेस को एक्सप्लोर करने गई। यहाँ पर एक साउंड सेंटर भी है जो कि बहुत ही अच्छा प्लेस है, और आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए, बट संडे की वजह से शायद ये सब बंद थे, सो आप अगर संडे को आ रहे हैं तो एक बार चेक कर लीजिए। मैं अभी ऑरोविल में हूँ, ऑरोविल सिटी के अंदर, और मैं सोच रही आज कुछ कुछ जगह पे मुझे जाना था, जैसे कुछ सौरम साउंड सेंटर था, बट आज बंद है अनफॉर्चुनेटली, तो मैं नहीं जा पाऊँगी इस ट्रिप में, तो देखते हैं, क्योंकि शायद अभी दशहरा का टाइम है इसलिए शायद बंद है। तो मैं अभी चलते चलते एक प्यारा सा रेस्टोरेंट जैसे बोहेमियन टाइप रेस्टोरेंट में आई हूँ खाने के लिए, तो लंच शायद यहाँ पर करूँगी, सो लेट्स गो। Your ordinary hostel and stuff. Yeah. Like what we are trying to create is like a traveler community. Okay, nice. So like we don't have the business perspective. Minimal pay. Okay. So that the business runs by itself. We all work in a different profession. Okay, nice. So I have a doctor here. We have a director here. I'm an IT professional. So we just do a lot of different stuff, and this is our hobby. Nice. You are basically from Pondi. Pondi. Okay. Like we are all like I was traveling post COVID, like people here we were all traveling. So I met a lot of people in the travel, and you know we all collectively came. Okay. So this place doesn't have a boss. Yeah. So you guys are managing all together. Yeah. Nice.
सो गाइस ऑरोविल में यही मतलब खासियत है कि यहाँ पे कम्युनिटी वाइज मैनेज करते हैं लोग. और ये जो अभी मुझे उनकी जो हॉस्टल के ओनर जो मिले, तो ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशन, इज़ फ्रॉम आईटी प्रोफेशन. यहाँ पे बहुत सारे लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के लोग यहाँ पे है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन. वो लोग एक्चुअली मतलब सब एक साथ मिल के इस कम्युनिटी को चलाते हैं. 250 rupees पर बेड यहाँ पे चार्ज करते रहने के लिए, एंड विच इज़ लाइक यू नो रियली मिनिमम कॉस्ट. एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं लाइक यू नो रिलैक्स के लिए. यहाँ पे उनका छोटा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट भी है. एंड सो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो डेफिनेटली आई कैन रिकमेंड दिस प्लेस. तो आपको एक अच्छा वाइब मिलेगा और एक ह्यूमन कम्युनिटी जो है उसको आप एक्सपीरियंस करने को यहाँ पे मिल सकता है. डिफरेंट डिफरेंट लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. नो रिलीजन, नो कास्ट, इज़ रियली ऑसम.